गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न तक हम लोगों ने रसखान जी के सवैये और अंतिम में कवित्त भी पढ़ लिया था। आज एक नए पाठ की शुरुआत होगी, भक्ति नीत, जिसके रचयिता हैं कौन? बिहारी लाल। संदर्भ यहीं पर पूरा हो जाएगा। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से? भक्ति नीति नामक पाठ से किया गया है। भक्ति नीति नामक पाठ से दिया गया है, जिसके रचयिता है कविवर बिहारी लाल। कविवर बिहारी लाल जी, हमारे पास पद्य खंड में, हमारे जो पाठ में पहले भक्ति ली गई है, इस भक्ति में पहला दोहा है जिस पर कविवर बिहारी लाल जी ने किससे विनती की है? राधा जी से कुछ विनती की है, उसी का यहाँ पर वर्णन हमें करना है, उसी की व्याख्या हमें करनी है। तो क्या है पहला पद्य खंड? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहां पर कविवर बिहारी लाल जी, जिनका जन्म कब हुआ? सन 1603 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1663 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बसुआ गोविंदपुर। ससुराल कहाँ थी? मथुरा। युवावस्था में वहीं रहे, लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण वह वहाँ से चले आए और जा करके जयपुर पहुँच गए और वहाँ राजा जयसिंह के दरबारी कवि बन गए। राजा जयसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे और इनके प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी एक असरफी इनाम स्वरूप दिया करते थे। बिहारी लाल जी भी, बिहारी लाल जी ने एक जो बिहारी सतसई नाम की रचना की है, वहीं पर इन भक्ति नीत को भी लिया गया है। इनके लिए एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। इनकी खास विशेषता थी कि ये बड़े से बड़े भाव को कम से कम शब्दों में व्यक्त करते थे, इसलिए ये कहा गया इन्होंने गागर में सागर भर दिया है। अब हम इनके इस दोहे की व्याख्या करते हैं, जिसमें कविवर बिहारी लाल जी ने चतुर राधा जी से विनती की है। क्या कही है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोए। बिहारी लाल जी कहते हैं, हे चतुर राधा जी, आप मेरे इन संसारिक भव बाधाओं को दूर कर दो। जो मेरे संसारिक भव बाधाएं, संसारिक जो कष्ट हैं, इन संसारिक कष्टों को दूर कर दो। और कौन दूर कर दें? चतुर राधा जी को दूर कर दें, वह राधा जी दूर कर दें। कौन सी राधा? जा तन की झाई परे। वह चतुर राधा जी मेरी संसारिक भव बाधाओं को दूर कर दें, जिनके सुंदर शरीर की परछाई मात्र पड़ने से, जिसकी सुंदर शरीर की परछाई मात्र पड़ने से कौन? श्याम हरित दुति होए। श्याम वर्ण वाले भगवान कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह चतुर राधा जी मेरी संसारिक भाव बाधाओं को दूर कर दे। तो ये राधा व्याख्या रही। उसके बाद आता है काव्यात्मक सौंदर्य। काव्यात्मक सौंदर्य में भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, इन सब
पर चर्चा करेंगे, एक दो दोहे और पढ़ लेते हैं उसके बाद इन पर चर्चा करेंगे, वरना हम पिक्चर तो भेज ही देंगे। दूसरा, मोर मुकुट की चंद्रकनि यौ राजत नंद नंद मनुष्य शिशेखर की अकस की शेखर सत चंद। बड़ा ही अच्छा वर्णन किया। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण अपने माथे पर, अपने सर पर हमेशा मोर का पंख लगा हुआ मुकुट धारण करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया, बिहारी लाल जी कहते हैं मोर मुकुट की चंद्रकनि, कवियर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान नंद नंद, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया नंद के लाला अर्थात भगवान कृष्ण, बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने सर पर मोर का मुकुट धारण की, मोर का पंख लगा हुआ मुकुट धारण किए हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। पंख में देखा होगा कई चंद्रमाएं बनी होती हैं, उन चंद्रमाओं को देख करके ही कवि ने कुछ तुलनात्मक शब्द यहाँ डाले हैं। कहा कि मोर का पंख लगा हुआ मुकुट धारण किए हुए भगवान कृष्ण इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो जैसे उन्होंने शशि शेखर की अकस, जिस प्रकार आपने देखा होगा भगवान शिव के सर पर एक चंद्रमा है। तो यही बताया कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से प्रतिद्वंदिता बस कि उन्होंने एक चंद्र धारण किया है, तो इन्होंने क्या किया, उनसे प्रतिद्वंदिता बस शशि शेखर सत्चंद अपने सर पर 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया। फिर से सुनेंगे, बिहारी लाल जी कहते हैं भगवान कृष्ण अपने सर पर मोर का पंख लगा हुआ मुकुट धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने भगवान शिव से प्रतिद्वंदिता बस क्या कर लिया हो, अपने सर पर 100 चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। ये रहा आगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने कार मनहु नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनु मनहु मानो जनु जनऊ जानो, जहां पर ये शब्द आ जाएं सबसे पहले ये जान लेना चाहिए ये हमारा किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। किसका उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो सुनेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, यहां पर भी भगवान कृष्ण के लिए ही बिहारी लाल जी ने कहा है। क्या कहा है कि भगवान कृष्ण, आप लोग जानते होंगे भगवान कृष्ण अपने सर पर पीला वस्त्र ओढ़ते थे जिसे क्या कहा जाता है, पीतांबर कहा जाता है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं भगवान कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए, पीला वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं, इस प्रकार शोभायमान दिख रहे हैं कि मानो कैसा हो रहा, नीलमणि शैल पर, नीले मणियों से युक्त पर्वत पर सुबह सुबह का पीला प्रकाश पड़ रहा हो। फिर से सुनेंगे, कवियर बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, इस प्रकार सुंदर दिख रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा हो, नीले मणियों से युक्त पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य का पीला प्रकाश पड़ रहा हो, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं भगवान कृष्ण कब, अपने सांवले शरीर पर पीतांबर को ओढ़े हुए। इसके बाद शेष जो दोहे हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे, आज की क्लास यही संपन्न होती है। धन्यवाद।